Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School, Chika. Today I am going to explain you the poem Democracy, written by Langston Hughes. So in this poem is about African Americans or Africans who are demanding their freedom like the Americans. So let us read the poem. So democracy in Hindi, it means Loktantra. Democracy is the rule of a country by a government which is elected by the people. So let us read the poem. Democracy will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. कहते compromise और fear से, compromise का मतलब है समझौता, समझौते और डर से हम कभी भी अपने देश में democracy जो है, लोकतंत्र है, वो नहीं ला पाएंगे. I have as much right as the other fellow has to stand on my two feet and on the land. कहते मुझे भी दूसरे लोगों की तरह उसी धरती पे खड़े होने का, अपने दोनों पैरों के साथ उस धरती पे खड़े होने का उतना अधिकार है जितना कि दूसरे लोगों को है. यहाँ पर other fellows का मतलब है the जो रूल कर रहे हैं, रूलर्स. यहाँ पे जो अदर फेलो का मतलब कौन है, जो रूलर्स हैं, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, दोज हु आर रूलिंग ऑन अफ्रीका, उनको कह रहा है कि मुझे भी उन लोगों की तरह उसी अपने दोनों पैरों पे खड़े होने का उस धरती पे उतना अधिकार है. I tire so of hearing people say, let things take their course, tomorrow is another day. I do not need my freedom when I am dead. I cannot live on the tomorrow's bread. मैं ये सुनते हुए थक गया हूँ, कहता कि जो लोग कहते हैं कि जो कार्य प्रणाली है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको अपने ढंग से होने दो. यहाँ पर कोर्स का मतलब क्या है, क्रम या कार्य प्रणाली. जो ऐसे चीज़ें हो रही हैं वैसे होने दो. ये सुनते सुनते मैं बहुत थक गया हूँ. टुमारो इज़ अनदर डे, कि ये कहते हैं लोग कि जो कल का, कल की कल देखेंगे. आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड, मुझे उस फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है जब मैं मर जाऊँ, मतलब जब मेरी मृत्यु हो जाए और तब फ्रीडम मिले, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज़ ब्रेड, मैं कल की रोटी के लिए नहीं जी सकता. इट मीन्स कि मुझे जो आज जब मैं जी रहा हूँ, मुझे आज के लिए ब्रेड चाहिए, कल के लिए नहीं. फ्रीडम इज़ अ स्ट्रांग सीड प्लांटेड इन अ ग्रेट नीड, कहते जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीड है जो कि एक आवश्यकता के लिए, ज़रूरत के लिए बोया जाता है. आई लिव हियर टू, मैं भी यहाँ रहता हूँ. आई वॉन्ट फ्रीडम जस्ट एज यू, तुम्हारी तरह मुझे भी आज़ादी की ज़रूरत है. तो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ विल डू द बुक वर्क. What is democracy? Democracy क्या है? Democracy is a government that is elected by the citizen of the country. ऐसी government जिसको country के citizen elect करते हैं, चुनते हैं. Democracy will not come through compromise and fear. तो compromise और fear से हमें democracy नहीं मिलेगी. I have as much right as the other fellow has to stand on my two feet and on the land. What do you learn about the character of the poet from the above stanza? So he wants to be treated equally. कि वो equally treatment चाहता है, जैसे दूसरे आज़ाद लोगों को treat किया जाता है, उसको भी treat किया जाए. तो he wants to be treated equally. Tomorrow is another day. What does these lines means? Line in the present rather than waiting for the future. Live in the present.
रैदर देन वेटिंग फॉर द फ्यूचर, भी हम वर्तमान में जिए, भविष्य में का वेट करने की बजाय हमें वर्तमान में जीना चाहिए. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से दैट ही कैनॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड. पोएट ने ये क्यों कहा कि हम जो है कल के ब्रेड के लिए नहीं जीना चाहते. तो द पोएट सेज दैट ही कैनॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड बिकॉज ही वॉन्ट्स फ्रीडम एट प्रेजेंट एंड नॉट वैन ही हैज़ ऑलरेडी डाइड. पोएट ये कहता है कि वो कल के जो ब्रेड के लिए नहीं जी सकता. वो क्यों इसलिए कहता है कि ही वॉन्ट्स फ्रीडम एट प्रेजेंट, उसे जो प्रेजेंट में फ्रीडम चाहिए, एंड नॉट वैन ही वॉज ऑलरेडी डाइड, और जब वो मर जाए तब उसे फ्रीडम नहीं चाहिए, उसे प्रेजेंट में जब वो जीवित है तब उसको फ्रीडम चाहिए. ही ऑल्सो डज नॉट नो वट विल हैपन इन फ्यूचर, उसे भी उसे क्या किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, वट इज़ द पोएट टायर्ड ऑफ हियरिंग. जो पोएट जो है क्या सुनते सुनते थक गया है. द पोएट इज टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से दैट दे शुड लेट थिंग्स टेक देयर ऑन कोर्स एंड दे शुड लिव इन द प्रेजेंट रादर देन वेटिंग फॉर द फ्यूचर. जो पोएट है वो ये सुनते थक गया है कि लोग कहते हैं कि उन्हें जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे ही उनको होने देना चाहिए, जबकि पोएट ये कहता है कि उन्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए भविष्य की वेट करने की बजाय. तो मतलब भविष्य की वेट करने की बजाय उन्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए, पोएट ये कह रहा है, जबकि लोग ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको चल रही हैं उनको चलने दो. नाउ यू नीड नॉट टू डू थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज, आई वॉन्ट फ्रीडम जस्ट एस यू. हु इज़ द यू हियर. यहाँ पर जो वर्ड यू यूज़ किया गया है वो कौन है. वर सम पीपल एन्जॉइंग मोर फ्रीडम एट द टाइम दिस पोएम वॉज रिटन. जब ये पोएम लिखी गई थी क्या उस टाइम लोग आज़ाद थे. द यू इन द कोडल लाइन रेफर्स टू दोज पीपल हु एन्जॉयड मोर फ्रीडम दैन हिम. यहाँ पर जो यू जो है ये उन लोगों के लिए यूज़ की गई है जो उससे ज़्यादा फ्रीडम एन्जॉय कर रहे थे. यस सम पीपल स्पेशली द अमेरिका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोएम डेमोक्रेसी वॉज रिटन. जो अमेरिका के लोग थे उस टाइम वो पूर्ण रूप से आज़ाद थे जब ये पोएम डेमोक्रेसी लिखी गई थी. सो दैट वर द क्वेश्चंस. नाउ वी विल डू साउंड कॉर्नर. इन साउंड कॉर्नर वी विल लर्न अबाउट द सिलेबल. सिलेबल क्या होती है. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. स्टैंड, फीट, प्लांटेड, टुडे. Did you read them as shown below? Stand, feet, planted, today. So you will notice that the words planted and today can be broken into smaller sounds units. तो आप देखेंगे कि जो planted है और today है जो छोटे छोटे जो sound units में इनको break किया गया है, तोड़ा गया है. Whereas stand and feet are themselves single sound units that cannot be broken. जबकि ये जो stand है, feet है, ये ऐसे sound unit हैं जिनको break नहीं किया जा सकता. जैसे planted में हमने plan और tud इनको break कर दिया, to और day इनको break कर दिया, but जो stand and feet है ये जो दो word हैं इनको हम break नहीं कर पाए.
So the sound units that a word is made up of are called syllable. तो जो sound units होती हैं जिनसे एक word बनता है उनको हम क्या कहते हैं, syllable कहते हैं. A syllable can contain a single vowel only, एक single vowel भी use हो सकता है उसमें, और a vowel and one or more consonant, या एक vowel या एक से ज़्यादा consonant भी उसमें use किए जा सकते हैं. तो एक होते हैं मोनोसेलेबिक, मोनोसेलेबिक होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रेक, जैसे लैंड, जस्ट, टेक, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंड और फीट एक्सप्लेन किया था. तो वो होते हैं मोनोसेलेबिक, लैंड, जस्ट, टेक. एक होते हैं डाइसेलेबिक वर्ड्स, आर वर्ड्स विद टू सेलेबल्स, जैसे ये प्लांटर थे, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू डे, तो ये होते हैं डाइसेलेबिक. जैसे इसमें हो गया फ्रीडम, स्टूडेंट, फाउंटेन, तो इनको टू उसमें साउंड यूनिट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम, स्टूडेंट, फाउंटेन. एक होते हैं ट्राइसेलेबल सेलेबिक, ट्राइसेलेबिक में थ्री जो साउंड यूनिट्स में थ्री सेलेबल्स होते हैं, थ्री साउंड यूनिट्स में उनको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे टुमारो, कॉम्प्रोमाइज, सेपरेट. तो इनको हम थ्री साउंड यूनिट्स में जो है ब्रेक कर सकते हैं, जैसे टू मो रो, कॉम प्रो माइज, सेपरेट. सो इनको कह देते हैं हम ट्राई सेलेबिक वर्ड्स. एक होते हैं पॉलीसेलेबिक वर्ड्स, आर वर्ड्स विद मोर देन थ्री सेलेबल. जो पॉलीसेलेबिक वर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें तीन या तीन से ज़्यादा सेलेबल होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, प्रोक्लेमेशन, सीग्रीगेशन. सो डेमोक्रेसी, सो डी मो क्रे सी, सो दिस वर्ड हैज़ फोर सेलेबल, डी मो क्रे सी. ऐसे ही प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन. ऐसे ही सीग्रीगेशन, सीग्रीगेशन. सो पॉलीसेलेबिक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा सेलेबल होते हैं. सो यहाँ पर टेबल है, लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द स्ट्रिप बिलो, फाइंड आउट वेदर दे आर मोनोसेलेबिक, डायसेलेबिक, ट्राइसेलेबिक और पॉलीसेलेबिक. सो यू विल फाइंड आउट दिस वर्ड्स योरसेल्फ. दिस विल बी योर होमवर्क, योर क्वेश्चन आंसर्स एंड योर बुक वर्क विल बी सून सेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.